इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी है। रोहिणी भी आज सिंगापुर लौट रही है। लौटना ही था, हमारी बहन है, भगवान करे। हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए रोहिणी को। आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लें, इसकी कल्पना के साथ आगे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब बिहार के सभी नेताओं और पार्टियों की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही है और लोकसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा की जा रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह रही जिससे कि बिहार में NDA की सीटों में कमी आई। वहीं दूसरी तरफ बैठक में समीक्षा करके विधानसभा चुनाव में भी खुद को मजबूत करने की कवायद जारी है और भरसक सभी पार्टियों की तरफ से यही कोशिश किया जा रहा है कि जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई है उसे विधानसभा में ना दोहराया जाए। इसी क्रम में आज सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला है और विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ी बातें कही है। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बनारस से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। अब इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, इस देश ने नरेंद्र मोदी को 292 सीटें दी है। राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि देश में पंडित नेहरू के बाद सभी को सिंपैथी के आधार पर वोट मिला है, यानी कि कांग्रेस के जितने भी PM बने हैं उनको सिंपैथी के आधार पर वोट मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास के नाम पर वोट मिला है। वहीं रोहिणी आचार्य के सिंगापुर से लौटने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें लौटना ही चाहिए और छपरा के लोगों के बीच जाकर काम करना चाहिए। इसके अलावा आज की बैठक पर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हम समीक्षा कर रहे हैं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा में और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा और 90% परिणाम रहे इसको लेकर बातचीत की जा रही है। मतलब साफ है कि भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में फिर से एक बार जुट गई है। तो एक बार आपको सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनके पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले, तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम किया। रोहिणी भी आज सिंगापुर लौट रही है। लौटना ही था, हमारी बहन है, भगवान करे। हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए रोहिणी को। हम पार्टी के अंदर हम समीक्षा कर रहे हैं और हम अपने पार्टी के पदाधिकारी जो लगे थे उनका क्या अनुभव था, पार्टी कहाँ कमजोर थी कहाँ मजबूत थी। 75% मार्क्स आए, बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लें, इसकी कल्पना के साथ आगे जाएं। लेकिन अभी भी सम्राट चौधरी 100% रिजल्ट देने को लेकर आश्वस्त नहीं है। अभी भी वह यह कह रहे हैं कि 90% तक हम लोग कोशिश करेंगे कि परिणाम आए। मतलब साफ है कि अभी भी भाजपा कहीं ना कहीं खुद को पूरी तरह से मजबूत नहीं पा रही है और लोकसभा चुनाव के परिणाम पर जैसा कि आप नज़र डालेंगे तो आपने देखा है कि किस तरह से 10 सीटों का नुकसान जो है NDA को उठाना पड़ा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पूरी तरह से प्रदर्शन करने को तैयार नहीं है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।